असजद कैसे मारिया को स्टेज पे अकेला छोड़कर जा सकता है? कितना एम्बेरस हो रही थी बेचारी अकेली बैठे। ठीक है पैसे वाले हैं, लेकिन असजद का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। 5 मिनट भी नहीं बैठा वो उसके साथ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, अजीब नजरों से देख रहे थे। असजद भाई की अम्मी को चोट लग गई थी इसीलिए वो चले गए थे, वो अपनी अम्मी के लाडले हैं। हाँ तो मैं भी तो अपनी अम्मी का इकलौता बेटा हूँ, मैंने तो कभी इनकी वजह से तुम्हें इग्नोर नहीं किया। ऐसा हुआ तो बहुत है रेहान, लेकिन आप ये देखें कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया। याद करें वो टाइम जब हमारी शादी हुई थी और आप मुझे बच्चों की जगह नहीं देना चाहते थे, तब मैंने कितना बर्दाश्त किया था। हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई थी, असजद के साथ तो ऐसी कोई चीज नहीं ना हो, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बच्चों की थी, उससे कहीं ज्यादा असजद भाई की लाइफ में अपनी अम्मी की होगी ना। उन्होंने इतने साल उनका ख्याल रखा है, तो अब जब उनकी अम्मी तकलीफ में है तो वो अपनी अम्मी का ख्याल ना करें क्या? ठीक है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होना चाहिए था कि आज उसका वलीमा है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं, हो गया ना वलीमा। देखिए कितना पैसा है उन लोगों के पास, कितना लैविश सेटअप था, हॉल अरेंजमेंट्स, खाना सर्विस, सब कुछ ऑन पॉइंट था। हाँ वो अपनी अम्मी की वजह से थोड़े बिजी थे, इस बात को इग्नोर कर दें, मारिया बहुत खुश रहेगी वहाँ। सब ठीक था, वो बस मारिया को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देता तो मुझे ये बात बिल्कुल भी बुरी ना लगती। मारिया को उसने बिल्कुल इग्नोर किया, कम से कम वलीमे के दिन दुल्हन को इम्पोर्टेंस तो देनी चाहिए उसे। चलें छोड़े इस बात को, दिल पर मत लें, चाय पी लें, ठंडी हो रही है। ऐसे दर्द छुपा